वेलकम एवरीवन ऑन इंग्लिश जोन चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज। आंसर्स होंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस होंगे और जो ऑप्शंस में फ्रेजल वर्ब्स अवेलेबल होंगे उनका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, ये डे टू हमारा है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, जिसमें डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एलटी ग्रेड और यूपीटीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट्स और उनके जो सिलेबस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी क्लास में। तो डे टू में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलिए सबसे पहले, एंड हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब एमसीक्यू। द वन नंबर वन क्वेश्चन इज दैट सॉन्ग हैड ऑलरेडी डैश 7 मिलियन यूरो। तो आपको बताना है कौन सा फ्रेजल वर्ब इस गैप को फिल करेगा, जो करेक्टली एक ग्रामेटिकली करेक्ट एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा। तो मेड आउट, मेड अप, मेड या नन ऑफ द एवर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। दैट सॉन्ग हैज ऑलरेडी मेड 7 मिलियन यूरो मींस कमा चुका है या बना लिया है इस सॉन्ग ने, ये हमारा आंसर होगा। इस सॉन्ग ने ऑलरेडी 7 मिलियन यूरो कमा लिया है या बना लिया है, यहाँ पे आ रहे हैं। तो आगे इसका समझते हैं। मेड आउट का मतलब होता है समझ पाना और मेक अप का होता है पूरा करना। मेड अप दिस प्रॉमिस, You should make up this promise. तो आपको ये प्रॉमिस पूरा करना होगा, या ऐसे सेंटेंस आपका जो मीनिंग यहाँ पे आ रहा है हिंदी में, मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी मेड का मतलब ये होता है कि इसने पूरा किया है या बनाया है। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यू कैन डैश वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यू कैन लुक आफ्टर, लुक अप टू या नन ऑफ द अबव। व्हिच वन फ्रेजल वर्ब इज करेक्टली फिट हियर। Answer is option B. You can look up words in dictionary. आप dictionary में words को ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो, ये हमारा answer होगा। पहले का देखते हैं कि अगर look after का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, कोई बीमार हो या कोई बच्चा है घर में, कोई उसकी देखभाल करता है, उसको पालता पोसता है, तो वो हमारा उसमें कहते हैं कि उसको look after. She is looking after her parents. ये answer अगर इसमें सेंटेंस बनाते हैं तो ये होगा। लुक अप का मतलब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे ये आंसर करेक्ट आएगा। लुक अप मींस खोजना, लुक अप टू मींस होता है प्रशंसा करना, किसी को एडमायर करना, ये हमारा मतलब होगा। यहाँ पे लुक अप टू किसी सेंटेंस में अगर आता है एज अ फ्रेजल वर्ब तो उसका मतलब होता है प्रशंसा करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, सॉरी आई एम लेट, माई कार डैश पेट्रोल। यहाँ पे होगा रैन आउट पेट्रोल, रैन आउट ऑफ पेट्रोल, रैन आउट ऑन पेट्रोल या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज रैन आउट ऑफ, मीन्स यहाँ पे जो आंसर होगा ये करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब होगा रैन आउट ऑफ पेट्रोल। सॉरी आई एम लेट, मैं लेट हो गया क्योंकि मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया था। फिनिश होना ये होता है। रैन आउट का मतलब होता है माने किसी को इनवैलिड यहाँ पे करना, किसी चीज को इनवैलिड करना, उसको हम बोलते हैं रैन आउट। रैन आउट ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, फिनिश हो जाना, ये बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर वी हैव द क्वेश्चन हियर। दोस ब्राइट येलो बॉल, येलो फुटबॉल बूट्स रियली। क्वेश्चन है दोस ब्राइट येलो फुटबॉल बूट्स रियली स्टैंड अप, स्टैंड डाउन, स्टैंड आउट या नन ऑफ द अबव। आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैंड आउट। स्टैंड आउट यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन जो हमारा फ्रेजल वर्ब है वो फिल होगा। स्टैंड आउट का मतलब क्या होता है, इससे अलग से दिखना। ओके, ये होता है हमारा मतलब, ये हर सबके बीच में एक अलग जो उसका लुक आता है या एक अलग जो पहचान होती है वो होता, उसका मतलब होता है स्टैंड आउट। तो यहाँ पे येलो द ब्राइट येलो फुटबॉल बूट्स रियली स्टैंड आउट का मतलब होता है कि ये जो येलो फुटबॉल बूट्स था ब्राइट कलर का वो अलग से दिख रहा था, ये मतलब हुआ। स्टैंड अप का मतलब होता है आमने सामने खड़े की बात करना, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी की बात करते हैं हम कि आमने सामने ऑडियंस होती है, स्टैंड अप कॉमेडियन होता है जो अपनी बात को आमने सामने कहता है इन अ कॉमिक वे। स्टैंड डाउन का मतलब होता है इस्तीफा देना, रेजिग्नेशन देना, ये हमारा होगा इसमें इसका मतलब। स्टैंड आउट जो होता है एक अलग से दिखना, इट हैज सम इम्पैक्ट, इम्पैक्टफुली एक अलग से कुछ इम्पैक्ट डालना, दैट इज कॉल्ड स्टैंड आउट। नंबर फाइव वी हैव, ओ नो द बिल्डिंग लिफ्ट हैज डैश अगेन। फ्रेजल वर्ब बताइए, ब्रोकन डाउन यहाँ पे फिल होगा, ब्रोकन अप, ब्रोकन इन या आपका है नन ऑफ द अबव।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है कोई चीज फिर से खराब हो जानी। ओके, ब्रोकन डाउन अगेन का मतलब हुआ ओ नो द लिफ्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग्स लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन अगेन, इस बिल्डिंग की लिफ्ट फिर से खराब हो गई। ये है हमारा आंसर, ब्रोकन डाउन का मतलब क्या हुआ, खराब होना होता है, इसलिए हम ऑप्शन ए भी करेक्ट करेंगे। इसके मीनिंग देखते हैं हिंदी में, ब्रोकन डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, किसी टेक्निकल प्रॉब्लम जो हो जाती है दैट इज कॉल्ड ब्रोकन डाउन। ब्रोकन अप मतलब होता है किसी से रिलेशन अपना तोड़ना, ब्रेक करना, ब्रेक अप जिसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप को किसी चीज को एंड कर देना। एंड ब्रोकन इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसाना, यहाँ पे ब्रोकन का मतलब है कि क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है इसलिए ब्रोक का यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, अदरवाइज ये होता है ब्रेक डाउन, ठीक है, या आपका है ब्रेक अप, ब्रेक इन, ये तीन वर्ड्स होते हैं जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये अपने थर्ड फॉर्म में है इसलिए यहाँ पे ब्रोकन 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 है। तो ब्रोकन इन मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, जबरन घुसना, ब्रोक अप में होता है संबंध तोड़ना, एंड ब्रोकन डाउन मतलब होता है कोई चीज खराब हो जानी। तो ऑप्शन ए हमारा नंबर फिफ्थ का करेक्ट है। नंबर सिक्स भी है, आवर बेबी सिटर्स रियली गुड एट डैश आवर किड्स लुकिंग आफ्टर, लुकिंग इन टू, लुकिंग डाउन ऑन, या नन ऑफ दी अबव। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा क्योंकि लुकिंग आफ्टर की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब क्या होता है देखभाल करना। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, लुक आफ्टर मतलब होता है किसी की देखभाल करना, तो बेबी सिटर जो है रियली गुड एट लुकिंग आफ्टर आवर किड्स, हमारे बच्चों की देखभाल करने में बहुत अच्छी है जो हमारे बेबी सिटर है। हिंदी देखते हैं, लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, लुक इन टू मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन जो मतलब हुआ। इसके साथ साथ लुकिंग डाउन मतलब होता है किसी को हेट्रेड की दृष्टि से देखना, हेट्रेड मतलब हुआ किसी को हे दृष्टि से देखना या किसी को एक गिरी हुई निगाह से देखना, दैट इज कॉल्ड लुक डाउन, लुकिंग डाउन ऑन या लुक डाउन। ओके, तो बेबी सिटर इज रियली गुड एट लुकिंग आफ्टर आवर किड्स, दैट वुड बी द करेक्ट प्रपोजिशन, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नंबर सेवन, वी हैव द क्वेश्चन, द बस वॉज नियरली फुल ऑफ फुल सो इट वॉज डिफिकल्ट टू, यहाँ पे होगा इस डैश को फिल करना है, गेट इन, गेट ऑन, गेट अप, या होगा नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा गेट अप, द बस वॉज, यहाँ पे करेक्ट जो फ्रेजल वर्ब आएगा दैट इज गेट अप, द बस वॉज रियली फुल सो इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट अप, मीन्स ये उठ खड़ा होना, मीन्स फिर से खड़े होने में पूरा भरा हुआ था इसीलिए ये फिर से खड़े होने में इसको डिफिकल्टी हुई, अगर वो नीचे गिरने की बात हो रही है यहाँ पे। गेट इन टू आप पहुंचना होता है, इसका हिंदी मीनिंग, गेट ऑन मीन्स होता है किसी से आपका जो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप होता है दैट इज कॉल्ड गेट ऑन, अगर सेंटेंस में आता है गेट ऑन, आई एम वेरी गेटिंग ऑन विद दिस पर्सन, तो ये आपका होगा कि आपका बहुत उससे फ्रेंडली नेचर है, फ्रेंडली एक रिलेशनशिप है। गेट अप मीन्स होता है उठ खड़ा होना, जैसे हम बोलते हैं यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको अपने बिस्तर से जल्दी उठना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर इसका होगा ऑप्शन सी। ओके, इसके साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डे वन का हमारा फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड एमसीक्यू, यहाँ पे प्लीज डू वॉच दिस ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा इसका लिंक, वहां पे भी आप इसको करके देख सकते हो। अब चलिए हम बात करते हैं नंबर सेवन का, सेवन के बाद एट का, इफ द टीवी इजंट लाउड एनफ टर्न इट डैश अ लिटिल। ओके, क्या बोला जा रहा है इसमें, सेंटेंस है, देखिए कभी कभी ना आपको सेंटेंस देखकर भी आंसर समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर मुझे पिक करना है ऑप्शंस में से। इफ द टीवी इजंट लाउड एनफ, अगर ये टीवी की आवाज बहुत ज्यादा नहीं है, टर्न इट अ लिटिल मीन्स इसको थोड़ा और बढ़ाओ, तो टर्न ऑफ होगा, टर्न अप होगा, टर्न डाउन होगा, या होगा नन ऑफ दीज, और यहाँ पे है टर्न अप। ओके, मीन्स होता है कि थोड़ा और बढ़ाना, दिखाई पड़ना या बढ़ाना, ठीक है, यहाँ पे दिखाई पड़ना का मतलब होता है या थोड़ा बढ़ाना होगा, इंक्रीज करना है वॉल्यूम को, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज। ओके, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, अगर सेंटेंस में होगा कि यू शुड नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी टू मच टाइम, सो टर्न ऑफ द टीवी, तो टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ओके, टर्न ऑफ होता है यहाँ पे ओ डबल एफ। टर्न डाउन मीन्स होता है इसको नीचे करना, आवाज नीचे करना, डिक्रीज करना।
और या किसी की टर्न डाउन करना, किसी कोई प्रपोजल होता है उसको टर्न डाउन करना, स्वीकार करना है, यहाँ पे इन एक्सेप्ट करना, तो दैट इज कॉल्ड टर्न डाउन. टर्न अप का मतलब होता है टू इंक्रीज, मतलब बढ़ाना. ओके यहाँ पे बढ़ाना होगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, टर्न अप. इसकी आवाज को टीवी इजंट लाउड इनफ सो टर्न इट अप अ लिटिल, थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को और तेज करो, बढ़ाओ. 9 नंबर क्वेश्चन, आवर प्लेन डैश 30 मिनट लेट. आवर प्लेन टुक ऑफ होगा, टुक अप होगा, टुक आउट होगा, या होता है नन ऑफ द अबव, तो आंसर जो होगा वो होगा टुक ऑफ, आंसर वन. क्योंकि टेक ऑफ होता है, मतलब टेक ऑफ मतलब होता है जब प्लेन जाने लगता है, और लैंड का मतलब होता है जब प्लेन प्लेन नीचे उतरने लगता है, तो जर्नी जब स्टार्ट करती है प्लेन की, तो दैट इज कॉल्ड टेक ऑफ होता है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, आवर प्लेन टुक ऑफ 30 मिनट लेट, मीन्स हमारा प्लेन 30 मिनट देरी से उड़ा. ठीक है, अब यहाँ पे टुक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, टू टेक अप का मतलब होता है कोई चीज शुरू करना, स्टार्ट करना, टेक आउट का मतलब होता है प्राप्त करना. ओके टेक आउट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में अपने हैं, टेक टू टेकन. ओके तो दैट्स वाई हिंदी मीनिंग आप इसको समझ लीजिए. अगर किसी सेंटेंस में किसी दूसरे तरीके से पूछता है तो आप उसका आंसर देने में बिल्कुल भी मत फेल होना. नंबर 10 की तरफ चलते हैं. लेट्स डैश दैट ओल्ड बॉक्स, वी डोंट नीड इट. लेट्स थ्रो अप दैट ओल्ड बॉक्स, लेट्स थ्रो इन दैट ओल्ड बॉक्स, या लेट्स थ्रो अवे दैट ओल्ड बॉक्स, वी डोंट नीड इट. तो ऑप्शन यहाँ पे हम सी को करेक्ट करेंगे. थ्रो अवे मीन्स होता है किसी चीज को फेंकना, ठीक है, थ्रो अवे मतलब होता है अपने से दूर करना उसको होगा. तो इसके आंसर को इसकी हिंदी मीनिंग के देखेंगे, थ्रो अप मतलब होता है उल्टी करना कोई चीज, जो पोकिंग जिसको बोलते हैं. थ्रो इन मतलब होता है मुफ्त में किसी चीज को शामिल करना, और थ्रो अवे होता है किसी चीज से छुटकारा पाना या किसी चीज को अपने से अलग कर देना, फेंक देना इन द सेंस. ओके तो यहाँ पे जो हमारा आएगा इस चीज को, लेट्स थ्रो अवे दैट बॉक्स, इस चीज से हम छुटकारा पाते हैं, इस ओल्ड बॉक्स से हम छुटकारा पाते हैं, मतलब इसको फेंक देते हैं. वी डोंट नीड इट, हमें किसी तरीके से इसकी अब जरूरत नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए इस चीज को थ्रो अवे करो, इसको चीज को फेंको, इससे दूरी बनाओ. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 11, हाउ आर यू डैश एट द न्यू स्कूल, इज इट ओके, मीन्स आपका स्कूल कैसा चल रहा है, नए स्कूल में आप कैसे हो, ये सेंस है इसका, या ये सब ठीक है, सब कुछ ठीक है. तो गेटिंग ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑन एट न्यू स्कूल, हाउ आर गेटिंग अप नेट स्कूल, गेटिंग इन नेट न्यू स्कूल, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा. गेटिंग ऑन मतलब होता है यहाँ पे जो एक आपका होता है मैत्री संबंध रखना, या किसी से इन टच जो आपका होता है कि हाउ आर डूइंग विद दिस थिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गेटिंग इन करेक्ट होगा, गेटिंग ऑन. ओके गेटिंग अप मतलब होता है उठ खड़ा होना, गेटिंग इन मीन्स होता है चुनकर आना, या आप इसमें होता है एंटर करना, घुसना. ओके नंबर 12, व्हेन डू यू डैश फॉर द समर हॉलीडेज, करेक्ट प्रपोजल वर्ब आप यहाँ पे डैश फिल करिए. व्हेन डू यू ब्रेक इन फॉर द समर हॉलीडे, व्हेन डू यू ब्रेक अप फॉर द समर हॉलीडे, व्हेन डू यू ब्रेक आउट ऑफ द समर हॉलीडे, नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, व्हेन डू यू ब्रेक अप. ठीक है, ब्रेक अप फॉर द समर हॉलीडे मीन्स आप कब फ्री हो गए इसमें, यहाँ पे होता है जबरन घुसाना, ब्रेक इन मतलब होता है ब्रेकअप मतलब होता है टुकड़े करना, या आपका होता है व्हेन यू डू ब्रेक अप फॉर द समर हॉलीडे, अपने काम से स्टॉप करके किसी और चीज में लगना आपका करोगे. ब्रेक आउट मतलब होता है यहाँ पे लड़ाई छिड़ जाना किसी दो पार्टीज के बीच में, दैट वुड बी द आंसर. तो ऑप्शन बी होगा, व्हेन डू यू ब्रेक अप फॉर द समर हॉलीडे मीन्स आप कब समर हॉलीडेज के लिए जाओगे, या कब उसके लिए अपना टाइम निकालोगे, दैट वुड बी द आंसर. नंबर 13 की बात करते हैं. द पुलिस आर स्टिल डैश द थीप, लुकिंग इन टू थीप, लुकिंग फॉर थीप, लुकिंग थ्रू थीप, या नन ऑफ द अबव, आंसर इज ऑप्शन सी बी होगा, सॉरी बी होगा यहाँ पे. लुकिंग फॉर द थीप होगा मीन्स ढूंढना, उसकी तलाश करना, तो लुकिंग फॉर को हम करेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी. लुकिंग इन टू मतलब होता है किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, जांच करना, लुकिंग फॉर मतलब खोज करना, सर्च में, लुकिंग थ्रू मीन्स होता है किसी चीज से जानना समझना, ये होता है आंसर. तो यहाँ पे करेक्ट फ्रेजल वर्ब जो आएगा दैट वुड बी लुकिंग फॉर. नेक्स्ट नंबर 14 नंबर क्वेश्चन, जस्ट डैश दिस फॉर्म एंड साइन इट, जस्ट फिल इन दिस फॉर्म, जस्ट फिल अप दिस फॉर्म, जस्ट फिल
अप ऑन दिस फॉर्म, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जस्ट फिल इन दिस फॉर्म, ओके, फिल इन दिस फॉर्म एंड साइन इट मीन्स होता है फिल इन में करना होता है, भरना होता है, फिल अप मीन्स होता है तृप्त करना होता है, तो ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे. नंबर 15, द डॉक्टर सेड इफ आई डैश शुगर आई विल लूज वेट. डॉक्टर ने कहा अगर मैं शुगर की मात्रा कम कर दूंगा तो मैं अपना वेट लूज कर सकता हूँ, लूज कर लूंगा. तो ऑप्शन ए क्या है, कट डाउन, कट अप, कट ऑफ या नन ऑफ द अबव. आंसर इज ऑप्शन ए, यहाँ पे जो होगा वो होगा कट डाउन. ठीक है, कट डाउन मतलब होता है डिक्रीज करना या आपका होता है किसी चीज में कमी करना. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. इसके हिंदी मीनिंग की देखते हैं. यहाँ पे आपका है मात्रा कम करना, कट डाउन, कट अप मीन्स होता है टुकड़ों में काटना, कट ऑफ मीन्स होता है काट कर निकाल देना, किसी चीज को अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ, कट दिस केक ऑफ. ओके, तो ये होगा इस चीज को काट कर, इस केक को कट करके निकाल दो एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग चिल्ड्रंस. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 16, बी क्वाइट यू विल डैश द चिल्ड्रन, यू विल वेक अप द वेक इन द चिल्ड्रन, वेक ऑन, वेक अप या नन ऑफ द अबव. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धीरे बात करो, बी क्वाइट, चुप रहो, यू विल वेक अप द चिल्ड्रन मीन्स आप बच्चों को जगा दोगे. यहाँ पे आपका होगा वेक अप मीन्स होता है उठा देना. ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट ऑफ द शॉप्स डैश इयर्स अगो, मोस्ट ऑफ द शॉप्स क्लोज्ड आउट, क्लोज्ड डाउन, क्लोज अप या नन ऑफ द अबव. आंसर है क्लोज डाउन, ऑप्शन बी को होगा, करेक्ट करेंगे, क्लोज्ड डाउन इयर्स एगो मीन्स कई शॉप्स जो है पुराने कई साल पहले ही, सालों पहले ही बंद हो चुकी हैं. तो यहाँ पे होता है बंद करना, क्लोज आउट होता है बाहर निकालना, क्लोज डाउन मीन्स होता है बंद करना, क्लोज अप मीन्स भी होता है. यहाँ पे आपको जो होता है ये आपका दिखाना रिलेटेड आया. नंबर 18, वी हैव द क्वेश्चन, वी डैश the lights and the TV and went to bed. We switched off the lights and TV. We switched over. We switched around. Yeah, none of these. Option A होगा, switch off करना होता है किसी चीज को बंद करना, जो आपका होगा electric related चीज का होगा. तो यहाँ पे है switch off का मतलब बंद करना, switch over means होता है किसी चीज से परिवर्तन करना, मतलब from one to another. Switch around means होता है अचानक बदलना. आप पार्टी देख के या सिचुएशन देख के when he saw this situation, he switched around to the other party. तो जब इस सिचुएशन को उसने देखा तो दूसरी पार्टी की तरफ और आप अचानक से बदल गया, that would be the answer. तो यहाँ पे होगा switch off मतलब होता है बंद करना. We switched off the lights and TV and went to bed. Option 19 question को देखते हैं. I will try to dash to see you soon. I will try to drop off, drop out, drop in, none of the above. And the answer is drop in. I will try to drop in to see you soon. तो यहाँ पे answer होगा जो आपका होगा, drop off means होता है किसी चीज से अलग होना, गिरना, drop out means होता है बाहर निकलना, और drop in means होता है छोड़ देना. okay, 20 question को देखते हैं, phrasal verb से related. It's dash, I can see blue sky, it's clearing off, it's clearing up, it's clearing out, and I can see option B, it's clearing up means साफ सुथरा जो होता है दिखना. तो यहाँ पे क्लियर ऑफ मतलब होता है अदायगी करना, कोई डेप्ट हो आपका उसको आप पे करना, पे डेप्ट. क्लियरिंग अप होता है साफ सुथरा, क्लीन कर रखना, क्लीन होता है, इट्स क्लियरिंग अप. एंड आई कैन सी द ब्लू स्काई मतलब ये साफ सुथरा हो रहा है और मैं ब्लू स्काई को देख सकता हूँ. क्लियरिंग आउट मीन्स होता है साफ हो जाना. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. Number 21, we have, you should dash your bad habits of smoking. You should get down, give in, give up, go up. तो यहाँ पे है give up, okay? Give up का मतलब होता है त्यागना होता है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट करेंगे हम. यहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग देखते हैं, get down means होता है नीचे उतरना, getting down from the stairs, from the ladder. Give in means मतलब होता है किसी के अधीन होना, give up means त्यागना, और go on means होता है continue करना या जारी रखना. okay? Number 22, she failed to dash to her name. Line up, sign up, keep up, rise up. She failed to keep up to her name. ठीक है, यहाँ पे होगा she failed to keep up to
टू हर नेम, मीन्स अपने अकॉर्डिंग या जो वो जिस चीज के लिए वो जानी जाती थी उस चीज को के कंटिन्यू करने में वो फेल रही। तो यहाँ पे होता है जारी रखना या कंटिन्यू करना, कीप अप मतलब होता है। लाइन अप मीन्स होता है किसी चीज की वो लाइन अप, दिस मीटिंग इज लाइंड अप विद दिस क्लाइंट, ये होगा मतलब कतार बांधना या लाइन अप में है कोई चीज जो आगे करनी है हमें। शाइन अप मीन्स होता है चमकना, कीप अप मीन्स होता है कंटिन्यू रखना या जारी रखना, राइज अप मीन्स होता है उठना या उदय होना कोई चीज का। दिस मैन इज राइजिंग अप इन हिज इंडस्ट्री, अपनी इंडस्ट्री में वो एक तरीके से चमक रहा है, एक तरीके से उसका दिन शुरू हो रहा है, एक तरीके से उसकी जो पहचान है वो बढ़ रही है। तो राइज अप मीन्स होता है तो आपका कि उदय होना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, शी फेल्ड टू कीप अप टू हर नेम, अपने के नाम के अकॉर्डिंग मीन्स फॉर विच रीजन शी वॉज नोन इज नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे हम किसी क्रिकेटर की बात करते हैं या किसी एक्टर की बात करते हैं किस कॉमिक रोल के लिए जाना जाता है, बट वो अब चीजें नहीं कर रहा है तो उस चीज को जारी नहीं रख रहा है, अब वो कहीं ना कहीं वो खो दिया है, तो दैट वुड बी द आंसर ऑप्शन सी। 23 वी हैव एट लास्ट द स्ट्राइक वाज वर्कड ऑन स्टूड फॉर द रन आउट या कॉल्ड ऑफ, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा कॉल्ड ऑफ। ओके, एट लास्ट द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ मीन्स होता है यहाँ पे कि रद्द हो जाना, रन आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, स्टूड फॉर का मतलब होता है खड़ा होना, एंड वर्कड ऑन का मतलब होता है काम करना। Here we have this 24 question. He generally dash at an odd hour. He generally turns over, turns on, turns up, turns off होगा. Option C is the answer. Turns up at an odd hour. कि मतलब उलट गया वो at an odd on hour. Turns over उलट जाना, turns on निर्भर होना, turns up means होता है कि बदल देना, रास्ता बदल देना या change हो जाना, that would be. The turns off means होता है बंद करना, इसलिए option C यहाँ पे correct होगा. Turns Alright. Number 25 we have. यहाँ पे answer होगा her supporter began to, answer is option C, fall off. ठीक है, fall off means होता है कम हो जाना, and option C को correct करेंगे. 26 का answer है यहाँ पे through flattery, तो through को क्या होगा answer जो है वो हमारा है option B, by means of. He rose to power through flattery, by means of means flattery के through वो power प्राप्त किया है। नंबर 27 की बात करते हैं, आई सेट माई अलार्म क्लॉक बिकॉज आई हैव टू गेट अप। ओके, यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हियर इज चेयर, प्लीज सेट डाउन, ऑप्शन सी इज द आंसर, जो फ्रेजल वर्ब फिट होगा। नेक्स्ट वी हैव 29 के आंसर की तरफ चलेंगे, तो डायरेक्टली आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे गिव अप होगा, त्यागना होगा। इफ यू डोंट पास द एग्जाम This time don't give up, try again. अगर आपने एग्जाम पास नहीं किया तो छोड़ना मत, फिर से प्रयास करना। तो ऑप्शन डी इसलिए यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन सी क्यों करेक्ट है, सेंटेंस में गेट ऑन की बात करते हैं यहाँ पे। योर मॉम इज सो अनटाइडी, प्लीज गेट ऑन द क्लोथ्स एंड पुट देम इन द वॉशिंग मशीन, मतलब अपने क्लोथ्स को उठो और अपने क्लोथ्स को इकट्ठा करो और इसको वॉशिंग मशीन में डालो। इकट्ठा, गेट ऑन मीन्स होता है कि इकट्ठा करके या उठा के रखना होता कोई चीज, तो दैट्स व्हाई वो क्लॉथ्स के लिए आएगा, स्पेशली यहाँ पे गेट ऑन होगा, नंबर सी ऑप्शन फॉर द 30th क्वेश्चन। एंड हियर वी हैड द इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट क्लास डेट 3rd में हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पिक करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस day 1 क्लास ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, watch it right now. Thank you very much for watching this.